आप सभी को मेरा राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? अभी 6 बज रहे हैं और मैं आज जल्दी उठ गई हूँ। कहीं मुझे जाना होता है तो ये मुझे पिंपल से रो निकल आता है। यहाँ भी निकल गया, यहाँ भी छोटू सा निकल गया। तो आज मैं पता है क्यों खुश हूँ? कि मैं सुबह सुबह उठ गई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। पहली बात तो आज संडे है, तो आज ऑफिस की छुट्टी है, तो मैं कभी इतना जल्दी उठती नहीं हूँ। पर आज पता है इसलिए उठ गई क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है। फाइनली आज हम जाएंगे कथा सुनने, जो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी जाने के लिए, पर मैं जा नहीं पा रही थी। वो इसलिए नहीं जा पा रही थी क्योंकि मेरा ऑफिस में कुछ इश्यूज थे, ऑफिस की वजह से नहीं जा पा रही थी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैं सबकी फ़ोटो को देख के इतना मुझे गुस्सा आ रहा था, काश कि मैं भी जाती, काश कि मैं भी जाती। तो फाइनली आज मैं जाऊँगी। संडे है तो मम्मी पापा मैं सब लोग आ जाने वाले हैं। शिवम तो बहुत दिन पहले से भी गया था, तो आ जाएगा, हम लोग को लेके जाएगा। तो ये जो कथा है कार्तिक मास में हो रही है, तो बड़ा ही बहुत अच्छी बात है यार। सौभाग्य की बात है कि हम आज जा पा रहे हैं। तो कोई नहीं, पूरे दिन कथा नहीं सुन पाए हैं, बट 7 दिन में एक दिन तो कथा सुन ही पाएंगे। तो आज हम लोग जाएंगे। आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि वहाँ दीदी के ससुराल भी जाऊँगी बहुत दिन बाद। और उसके बाद हम, हो सकता है कि अगर हमारे पास टाइम रहे तो हम कड़े मंदिर भी जाएंगे, फिर उसके बाद कथा सुनने जाएंगे, फिर रात में आऊँगी क्योंकि कथा जो है ऑलमोस्ट 9 बजे के आसपास ख़त्म होती है, तो हमें आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बट कोई नहीं, ओवरऑल बहुत मज़ा आने वाला है। आज बहुत दिनों बाद सबसे मिलूंगी, तो जो भी वीडियोस थोड़े बहुत बना पाऊँगी वो आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो चलो पहले फटाफट उठते हैं, थोड़े बहुत जो काम है वो काम करके तैयार व्यार हो जाती हूँ, नहा वहा के। ठीक है, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में वहाँ पहुँच के। तो मैं हो गई हूँ तैयार, मम्मी भी तैयार हो गई है, पापा भी तैयार हो गए। तो चलो फटाफट निकलते हैं क्योंकि जल्दी पहुँच जाएंगे, तभी हमारे पास ज़्यादा टाइम होगा लोगों के साथ बात करने के लिए और टाइम से कथा सुनने के लिए। तो चलो चलते हैं। भेट लो भाई, हम और भेट लें का मम्मी। तो हमसे पतली लग रही हो, देख लो। सब हमारा मुंह है, मुंह पाता रहते हैं, मुंह पता नहीं। मम्मी तुम क्या कर रही? पी लो पी लो। वही लोग अपने घर जाते हैं। जो ना है लास्ट में जवाइन स्टेज पे ना चला गई थी बड़ी साथ में ऐसे हो। परी परी आओ, परी आ परी। अब नहीं सुनेंगे मम्मी, तुम्हारी बात नहीं मानेगी। परी कहाँ गई? परी भाई तुम्हारा भाव बढ़ गया है क्या ज्यादा? हमको बहुत डर लगता है। दादी तुम डरती हो क्या? दादी नहीं डरती। अब कोई नहीं डरता, सबका आदत पड़ गया। अरे अरे मुरी माई छी, एक आठ बाल, एक आठ बाल गिर जाएगी। रोज नहाती है, कौन मारा पर को? कोई नहीं मारा, रोल लो थोड़ा परी।
खुश रहा बेटवा। भाई साहब भौकाली रूम तो है ये, क्या चाहिए? क्रेडिट गोस टू दीदी और का लेकिन एक ही सच में यार अच्छा लग रहा है रूम। पापा तुम आराम करो थोड़ी देर आराम करो। अच्छा लग रहा है भाई। सोच रहे हो दुपट्टे उपट्टे हटा लो पापा, गमछा वमछा का गमछा वमछा सब लेके। अच्छा लग रहा है यार रूम, सही है। बैठो अम्मा बैठो। अम्मा तो घर में बिल्कुल जमाए रहती है ना। जमाए नहीं, वैसे भी अम्मा सही रहते अपना। चलो मैं फटाफट चलो सब लोग खाना खाते हैं। पानी तो हो गया। रोज तो सो रही हूँ, कोई पूछ मैंने कहा। कोई ना लेगा। अब तुम अपना खाना लेके आओ। आ देने बैठी बेचारी। पापा को नहीं खाएंगे अभी। ये एरिया जहाँ पे तुलसी माता जी है मुझे बहुत अच्छा लगता है, काफी अच्छा भी लग रहा है। पर मम्मी कह रही थी कि थोड़ा सा सूख गया है, बट मुझे अच्छा लग रहा है। खा लो। इतना अच्छा दूध तुमका यहाँ आदमी के नहीं मिला थे का चंदन, है ना? हाँ फिनिश कर लो भाई साहब, इतना गाढ़ा दूध इला वही शहर में हो पता चले की कीमत। देखो वो नहीं खा रही है। मेरा मन की इसको खा रही, इतना अच्छा खाना इसको अच्छे से नहीं खा पा रही है।